री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, क्योंकि कल तक इन्होंने रोशनी की थी और किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, इन्होंने खुद को जलकर रोशनी की थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और चूंकि दीपावली के आसपास ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए मैंने कुछ रोशनी की दुनिया से जो पंक्तियों को उद्धृत करते हुए आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और आइए हम लोग इकोनॉमी के अंतर्गत जो है आज के टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी पर जो है चर्चा करते हैं। बेरोजगारी का नाम लेते ही जो है ऐसा लगता है कि यह न केवल किसी व्यक्ति और क्षेत्र की, समाज की, बल्कि पूरे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी जो है समस्या है कि जनसंख्या के बढ़ते हुए जो है स्थिति में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, यानी कि रोजगार की दशाएं पैदा नहीं हो रही हैं, इसलिए बेरोजगारी की जो समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। या सरकार के समक्ष ये महत्वपूर्ण जो है चुनौती हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों के लिए बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक समस्या बनी हुई है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है बेरोजगारी क्या है इस चीज़ को समझने के साथ साथ बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के माप और कुछ जो है समसामयिक जो है मुद्दों को जो है इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे कि ये इसका क्या आशय है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। और दूसरे नंबर पर इसके प्रकार पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके माप पर जो है विचार व्यक्त करेंगे और कुछ अन्य जो है अवधारणाओं को भी इसमें हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो ये हम लोगों के आज के चिंतन का एक महत्वपूर्ण जो है विषय है। बेरोजगारी क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये भी बेरोजगारी हो सकता है, लेकिन बेरोजगारी की स्पष्ट परिभाषा इसे नहीं कही जा सकती है। तो इसके लिए एक परिभाषा जो है सार्वभौमिक रूप से, सर्वमान्य रूप में बनाई गई है कि बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति जो है सामान्य प्रचलित दरों पर काम प्राप्त नहीं कर पाता है, या यूँ कहा जाए कि काम करने का इच्छुक व्यक्ति जो है सामान्य प्रचलित दरों पर, जो मजदूरी की दर है उस दर पर जो है यदि काम नहीं पा रहा है तो उसे जो है बेरोजगारी कहा जाएगा, उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, अगर इस परिभाषा को देखें तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम का इच्छुक शब्दों का अत्यंत ही महत्व होता है किसी भी परिभाषा में, किसी कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए हम लोग इन शब्दों को एक एक करके देखेंगे और उनके मतलब को समझते हुए चलेंगे कि कार्य का इच्छुक व्यक्ति जो है सामान्य प्रचलित दर, प्रचलित जो है दर पर जो है काम प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के चार प्रकार की स्थिति बनती है कि यह एक स्थिति है, एक व्यक्ति के स्टेटस को बताता है कि वह काम नहीं कर रहा है। दूसरा यह है कि वह इच्छुक भी है काम करने का। अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक ही नहीं है, वह काम करना ही नहीं चाहता है, तो कितना भी काम हो या काम की दशाएं हो उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को हम इकोनॉमी की भाषा में जो है बेरोजगार नहीं कहेंगे, अर्थात उस व्यक्ति का इच्छुक होना आवश्यक है। यदि वह इच्छुक है, इसके बावजूद भी काम नहीं प्राप्त कर पा रहा है या उसको काम नहीं मिल रहा है, कार्य के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वह स्थिति जो होती है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो इच्छुक होता है, नहीं पाता है, और उसके लिए एक सामान्य प्रचलित दर, जैसे मान लीजिए अगर काम के लिए प्रतिदिन की अगर एक मजदूरी 300 रुपये निश्चित की गई है और 300 रुपये के बजाय उसे अगर कहीं कहा जा रहा है कि 100 रुपये पे ही काम करना है और नहीं कर रहा है, तब वो बेरोजगारी की स्थिति में जो है इस तरीके की परिभाषा, इस तरीके की स्थिति को उस परिभाषा में नहीं लाया जाएगा। वो सामान्य प्रचलित दर, जो दर है उस दर पर काम करने का जो है इच्छुक होना चाहिए, और तब अगर काम प्राप्त नहीं होता है तो उसे कहा जाएगा बेरोजगारी। मतलब सामान्य प्रचलित दरों पर काम करने के लिए उस व्यक्ति को तैयार होना आवश्यक है। अगर यह भी कह दिया जाए कि वह व्यक्ति जो है अकुशल श्रमिक है और 300 रुपये के बजाय वो जो है 1500 रुपये मांग रहा है, तो भी उससे जो है बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह जो रोजगार मिलने की एक सामान्य दशा है उस दशा और उन शर्तों को पूरा नहीं करता है, या कुछ ऐसे ही विशिष्ट प्रकार की उसकी शर्त है जो या जिसके कारण से उसे रोजगार नहीं मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर वो बेरोजगारी की स्थिति श्रेणी में नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि बेरोजगारी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति जो है काम करने के लिए तैयार होता है, परंतु जो दरें प्रचलित होती हैं उन दरों पर उसे काम नहीं मिल पाता है, तो वह स्थिति जो है कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की स्थिति। प्रदेश के साथ साथ देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है और सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार प्रयास नहीं कर रहे हैं, लगातार चाहे उद्योग धंधे के क्षेत्र हो, चाहे विनिर्माण का सेक्टर हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, लगातार सरकार के प्रयास चल रहे हैं। कौशल विकास मिशन की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी प्रारंभ किया गया जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके, यानी कि स्किल्ड जो है तरीके से लोगों को काम मिल सके, उनके आय को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रोजगार के जो है कार्यक्रम जो है प्रारंभ किए गए जो कि लोगों को रोजगार देने के लिए ही चलाए गए थे। अभी हम आगे चलकर इस पर भी कुछ जिक्र करेंगे, परंतु अभी इस चीज़ को यहाँ समझ लेना आवश्यक है कि इसके बावजूद भी बेरोजगारी की दशाएं क्यों बनी रही। एक दूसरा भी कारण है कि यदि किसी देश में जो है जनसंख्या और बेरोजगारी, हमेशा जब बेरोजगारी को पढ़ा जाएगा तो वहां पे जनसंख्या को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हम जनसंख्या को जो है नहीं हटा सकते, फिर जो है हम बेरोजगारी को देखेंगे। जनसंख्या और बेरोजगारी को जोड़ करके देखना होगा जनसंख्या और बेरोजगारी को, क्योंकि अगर किसी देश में जो है बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है प्रतिवर्ष जो सरकार के प्रयास से जो है, अगर 2% की जो है रोजगार दिया जा रहा है तेजी से, और जनसंख्या अगर जो है 2.6 की जो है दर से बढ़ रहा है, तो ये मान के चलिए कि 0.6 का जो गैप है वो प्रतिवर्ष पिछले जो आंकड़े को प्रोग्रेसिव जोड़ने पर वो बढ़ता जाएगा। इसलिए सरकार के 2% रोजगार देने के प्रयास को भी जो है यह कहीं ना कहीं जो है जनसंख्या की वृद्धि निरर्थक कर देता है। इसलिए जनसंख्या नीति में हमेशा जनसंख्या को 2.1% के जो है प्रतिस्थापक दर पर लाने की बात कहा रहा है कि जो है जनसंख्या नीति इस बात पर बल देती है कि देश की जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 2.1 के जो स्तर पर होना चाहिए। इसको प्रतिस्थापक दर का कहा जाता है। प्रतिस्थापक का तात्पर्य हुआ कि स्वयं इस पीढ़ी की जनसंख्या अगली पीढ़ी में शिफ्ट होगी। और 2.1 अगर कहा जाए कि कुछ एक्सीडेंटल केसेस में जो है लोग अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस आधार पर ये 2.1 की जनसंख्या लगभग संतुलन बनाए रखने में जो सफल होगी। यही जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का भी जो है उद्देश्य होता है। हालांकि अभी भी जो है देश में जनसंख्या की पिछली बार तक जो है इससे ज़्यादा थी, अब जो है जनसंख्या लगभग इसके आसपास पहुंचने वाली है या पहुंच रही है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग 2.1 के आंकड़े पर जो रहेंगे, जिससे जो है देश की जो संसाधन है, देश की जो उत्पादन है, देश के आय है, उसका सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करते हुए लोगों के जीवन स्तर को न केवल सुधारा जाएगा बल्कि इससे लोगों को रोजगार भी दिया जाना संभव हो सकेगा। तो यह स्थिति जो है हमेशा बेरोजगारी को या रोजगार देने की स्थिति का अध्ययन हम लोग जनसंख्या वृद्धि के साथ जो है करते हैं, तभी जो है उसका आशय स्पष्ट हो पाता है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ बेरोजगारी की स्थिति उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि जनसंख्या जो है रोजगार देने के अनुपात से ज़्यादा होती है। इसीलिए सरकार हमेशा ऐसा कानून लाने का प्रयास करती है कि जनसंख्या वृद्धि को कहीं ना कहीं जो है नियंत्रित किया जा सके, जिससे देश के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होना संभव हो सके। अब हम लोग जो है प्रकार पर चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी क्या प्रकार है। इससे बेरोजगारी को और व्यापक संदर्भों में जो है समझने में आसानी होगी। हम लोग इसे जो है विकसित और दूसरा जो है विकासशील विकसित और विकासशील देशों के जो है आधार पर इस चीज को थोड़ा सा जो है समझने का प्रयास करते हैं कि विकसित देशों में चूंकि वहां पर विकास का एक उच्च स्तर है, वहाँ लोगों के रहन सहन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो विकासशील देशों से आगे होता है, एक अलग प्रकार का होता है। वहाँ की जनसंख्या का जो नेचर भी अलग होता है, तो दोनों जगहों के बेरोजगारी का नेचर जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा उस हिसाब से जो है समझेंगे, जिससे बेरोजगारी के सभी पक्षों और संदर्भों को समझना संभव हो सके। तो विकसित देशों में जो है मुख्य रूप से चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये दोनों जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। वहीं पर जो है विकासशील देशों में संरचनात्मक जो है बेरोजगारी, दूसरी तरफ जो है मौसमी बेरोजगारी, अगला है परछन्न। परछन्न का मतलब होता है डिस्गाइज, परछन्न डिस्गाइज या छिपी हुई, इसको भी कहते हैं छिपी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। अगली है तकनीकी बेरोजगारी भी जो है कहीं ना कहीं घर्षणात्मक बेरोजगारी में या शिक्षित बेरोजगारी में ही जो है ये आता है। तो ये विकासशील देशों में पाई जाती है। जो है विकसित देशों में जो है चक्रीय बेरोजगारी का तात्पर्य जो है मंदी से है। कोई देश जब विकास के उच्च स्तर पर होता है तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था को बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की जो सरकार के लिए। तो यदि वहां पर जो है सार्वजनिक मांग में जो है कमी होती है, यानी कि समग्र जो खर्चे हैं व्यक्ति के उसमें कमी होती है और मांग में जो कमी होती है, तो जब मांग कम होगा तो निश्चित तौर पर वहां पे क्या होगा कि जो फैक्ट्री है वो उत्पादन कम करेंगी। जब फैक्ट्री उत्पादन कम करेगी तो एक निश्चित सीमा तक ही वो उसको बनाए रखती है, और यदि जो है मांग लगातार उसी स्तर पर जो है बना रहा, यानी कि कम ही रहा, तो क्या होगा कि उद्योगों को अपनी कुछ इकाइयों को बंद करना पड़ेगा या प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है उसको बंद करना पड़ेगा और बेरोजगारी की स्थिति बढ़ेगी कि छटनी करना पड़ेगा। तो इस कारण से जो है मंदी वहां पर आती रहती है और मंदी के समय में जो है बेरोजगारी बढ़ जाती है, और पुनः जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है या अर्थव्यवस्था बूम की स्थिति में आती है, उत्पादन बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, आय बढ़ता है। तो इस आधार पर चक्रीय बेरोजगारी जो है विकासशील देशों में भी कहीं कहीं पाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से विकसित देशों में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर परीक्षा में पूछता कि चक्रीय बेरोजगारी कहाँ मिलती है, तो आपको विकसित देशों में ही लगाना है। ये तब ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों में नहीं पाई जाती है, परंतु जो है ज़्यादा ये विकसित देशों में ही पाई जाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये तकनीक के कारण से होता है। तकनीकी कारणों से जो है ये किसी देश में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर किया जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज किया जा रहा है, तो उसके कारण से जो है लोगों को कई बार ऐसा देखा गया है कि छटनी करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है स्किल्ड नहीं होते हैं या वो ट्रेंड नहीं होते हैं किसी विशेष प्रकार की तकनीक में। जैसे जब कंप्यूटर का युग आया तो आपने देखा होगा विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न फैक्ट्रियों में कि जो परंपरागत रूप से जो फाइलों में काम करते थे उनको कंप्यूटर पर काम करने में समस्या हुई, क्योंकि आज की डेट में तो इतना लोग प्रचलित है मोबाइल और चीज़ों के कारण से तब भी दिक्कतें आ रही हैं। तो उस समय जब शुरुआती दौर में कंप्यूटर आया तो लोगों को ABCD भी कंप्यूटर का नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जो है तकनीक में जो परिवर्तन के कारण से जो है भी उद्योगों में छटनी होती है और अकुशल लोगों को बाहर किया जाता है, वहां पर जो है बेरोजगारी आती है। तो वो घर्षणात्मक जो है फ्रिक्शनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और सरकार कई बार ऐसे होता है कि इस तरीके के घर्षणात्मक जो है बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार जो है अपने विभाग के अंतर्गत ही जो है कौशल विकास के कार्यक्रम को संचालित करती है, जिससे उन जो है कर्मचारियों को प्रशिक्षित करके स्वयं जो है उसे उद्योगों में जो है पुनः स्थापित किया जा सके। यद्यपि ये बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हो पाता, कुछ कंपनियों के द्वारा इसे किए जाते हैं। भारत में भी जो है स्किल्ड तरीके से लोगों को जो है बढ़ाने के लिए, कार्यकुशल बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी जो है प्रारंभ किया गया है, और जिसमें प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में जो है इसमें व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को कुशल बनाया जा रहा है ताकि जो है वो कुछ ऐसे गुणवत्तापूर्ण काम करें जिससे उनके जो है कार्य की क्षमता बढ़ सके जो है। तो इसलिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भी जो प्रारंभ किया गया। तो ये दो प्रकार की जो बेरोजगारी है वो विकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है। अगला है संरचनात्मक संरचना। जैसे शरीर की संरचना होती है वैसे अर्थव्यवस्था की भी अपनी एक संरचना होती है कि कहीं पर स्कूल की जरूरत है, कहीं पर उद्योग धंधों की जरूरत है, कहीं पर बंदरगाह की जरूरत है, कहीं पर रोडवेज की जरूरत है, सड़कें होनी चाहिए, ओवरब्रिज होना चाहिए। तो इस तरीके से अवसंरचनात्मक ढांचे के आधार पर एक संरचना बनती है। और जब किसी देश में जो है इस तरीके के ढांचेगत जो है विकास में समस्या होती है तो भी बेरोजगारी होती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा या इस तरीके से जो पिछड़े हुए जो है आते हैं प्रदेश, वहाँ पे उद्योग धंधे ही कम है। तो जब औद्योगिक इकाइयाँ नहीं हैं, औद्योगिक इकाइयाँ जब कहीं कम होगा तो वहाँ पे जो है लोगों को नियोजित करना कठिन होगा, और वो जो है किसी दूसरे जो है प्रदेश में या किसी दूसरे शहर में जा कर के जो है अपना काम तलाशने की कोशिश करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन की समस्या जो है उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के जो है संरचनात्मक जो बेरोजगारी का तात्पर्य है कि जब कोई प्रदेश या कोई देश पिछड़ा हुआ होता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचनात्मक ढांचे विकसित नहीं होते हैं, या यूँ कहा जाए कि सरकार के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि उस क्षेत्र में वो नियोजित कर सके। तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पे बेरोजगारी उत्पन्न होती है। बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर जो बेरोजगारी होती है उसको कहा जाता है संरचनात्मक जो है बेरोजगारी। अगला है मौसमी बेरोजगारी। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, विकासशील देश होने के साथ साथ जो कृषि प्रधान देश है, कृषि जो है वो मौसम पर आधारित होता है, और यहाँ पर जो किसानों को जो काम करना होता है वो कुछ अलग अलग रबी के सीजन में, खरीफ के सीजन में, इस तरीके से जो है उनको कार्य मिलता है। तो काम इस तरीके से जो है जो काम उनको मिल रहा है वो मौसमी रोजगार उनको मिलता है, और जो मौसमी रोजगार के बाद शेष समय बचता है वह जो है मौसमी बेरोजगार कहलाते हैं। और यह जो है भारतीय कृषि की जो है बहुत बड़ी जो है समस्या है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी की मतलब यह है कि ऊपर से प्रतीत हो कि काम हो रहा है परंतु उसी में जो है बेरोजगारी छिपी होना। अब इसका उदाहरण यह है कि मान लीजिए किसी भी किसान के पास 5 जो है एकड़ 5 एकड़ जो है जमीन है, और यहाँ पर जो है 3 लोग या 4 लोग मिलकर के काम करें। अगर पारिवारिक स्तर पर देखा जाए 4 लोग काम करें तो ये 5 एकड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर परिवार के जो है 7 लोग उसमें या 8 लोग लगे हुए हैं, 5 कर सकते हैं और 8 लगे हुए हैं, 5 कर सकते हैं परंतु जो है 8 लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि 3 लोग बेरोजगार है परंतु सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, इसलिए सबकी क्षमता बढ़ जा रही, कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम नहीं दे पा रहा है, लेकिन ऊपर से प्रतीत हो रहा है कि काम सब कर रहे हैं, लेकिन जो है 3 को कम से कम एक्स्ट्रा इसमें जो है काम दिया गया है जिसे कि केवल 5 ही कर सकते थे, तो उनकी क्षमता बेकार जा रही है, और यह बेरोजगारी कहलाती है प्रचंड बेरोजगारी। अगली है शिक्षित बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी का प्रकार जो खतरनाक भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर पढ़ाई लिखाई पर व्यक्ति स्कूल सरकार के द्वारा इतना खर्च किया जाता है, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसे या तो काम नहीं मिलता है या तो उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो है वह शिक्षित रूप से जो बेरोजगार जो है कहलाता है। जितने भी जो है शैक्षिक आधार पर जो है एडवांस स्टेट है यूपी, मतलब इंडिया के ही स्तर पे अगर देखा जाए कि इसके अंदर जो है जितने भी एडवांस स्टेट हैं वहाँ पे जो है शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि शिक्षा का स्तर जैसे केरला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि उनके शिक्षा के अनुसार, उनके प्रशिक्षण के अनुसार इस तरीके के काम स्थापित होने चाहिए, इस तरीके से उद्योग धंधे स्थापित होना चाहिए जिनसे जो है उनको काम मिल सके। तो इस तरीके से जो है शिक्षित लोगों को केवल अकुशल ढंग से शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको जो है ऐसी शिक्षा, ऐसी प्रशिक्षण देने की जो जरूरत है जिससे उनके उस सीख का जो है देश के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उपयोग किया जाना संभव हो सके। तो इस आधार पर उनको जो है शिक्षित बनाया जा सकता है, मतलब शिक्षित बनाने के बाद उनको रोजगार दिया जा सकता है। और इस तरीके से सरकार को प्रयास करना चाहिए। तकनीकी तकनीकी के बेरोजगार कहीं कहीं शिक्षित बेरोजगार का ही एक अंश है। जैसे आज की डेट में जो है जितने भी प्रौद्योगिकी संस्थान बनाए गए हैं, जिसमें भी आपके जो है बीटेक के कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं, आईटीआई के कॉलेज हैं, सभी जगहों पे जो है एक बड़ी संख्या में लोगों को जो है तकनीकी जो है शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं मंदी का प्रभाव आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव आ रहा है। लोगों की ज़रूरतों को जो है देखा जाए तो उनकी ज़रूरतें इस तरीके से नहीं हैं जिससे कि इनके प्रशिक्षण का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं को दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तकनीकी जो है बेरोजगारी को भी पैदा करती हैं। कुल मिलाकर के ये भी जो है एक शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रकार है। तो आप लोगों ने देखा कि विकसित और विकासशील देशों में किस तरीके से जो बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा बेरोजगारी के माप को देखेंगे। बेरोजगारी का माप ये है, बेरोजगारी के जो माप है सामान्य स्थिति जो है बेरोजगारी चालू दैनिक, चालू साप्ताहिक जो है बेरोजगारी, और चालू जो है वो दैनिक। ये तीन प्रकार की जो है बेरोजगारी की दशाएं हैं। 1973 ईस्वी में जो है 1973 ईस्वी में भगवती कमेटी ने जो है इस पे भगवती कमेटी के द्वारा अपने इस पे जो है विचार प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि तीन प्रकार की बेरोजगारी होती है। इसमें 365 दिनों को जो है लिया जाता है, और इसमें जब व्यक्ति अधिकांश दिनों में जो है बेरोजगार होता है, यानी कि लगभग 183 दिन से ज़्यादा जब वह बेरोजगार रहता है तो उसे कहा जाता है सामान्य स्थिति जो है बेरोजगारी। से क्रॉनिक बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें लगभग सभी जो है बेरोजगारों को इस बेरोजगारी की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। चालू साप्ताहिक, इसमें पिछले 7 दिनों को जो है लिया जाता है, और यदि व्यक्ति 1 घंटे भी काम न किया हो तो उसे चालू साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत जो है रखा जाता है। और चालू दैनिक स्थिति, इसमें भी 7 दिन पिछले देखा जाता है, लेकिन इसमें दैनिक आधार पर चीज़ें काउंट की जाती हैं, इसलिए कम से कम 4 घंटे। अगर 4 घंटे उसने जो है काम किया है तो पूर्ण रोजगार होगा। अगर वो जो है 4 से लेकर के 1 घंटे में काम किया है तो जो है अर्ध बेरोजगार होगा, मतलब इसमें ये पूर्ण रोजगार है, ये अर्ध बेरोजगार होगा। और अगर 1 घंटे से भी जो है उसने कम काम किया है तो वो पूरा जो है पूर्ण बेरोजगार की स्थिति में जो है आएगा। ये पूर्ण रोजगार है और ये जो है पूर्ण बेरोजगार की स्थिति में जो है ये आएगा। तो इस आधार पर जो है भगवती कमेटी ने 1973 ईस्वी में जो है बेरोजगारी को मापने के लिए चालू साप्ताहिक, चालू दैनिक और सामान्य स्थिति बेरोजगारी, क्योंकि कई बार इसमें जो परीक्षा में प्री में मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अगर आप मेंस भी लिख रहे हो तो तुलनात्मक रूप से अगर इसको लिखते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट मेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप एक समझदारी के आधार पर, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर उत्तर लिखते हैं ताकि सामने वाला उसको समझ जाए। तो ये भगवती कमेटी के द्वारा इसकी माप जो है दी गई है, जिसके द्वारा जो है उन्होंने बेरोजगारी को 3 रूपों में जो है व्याख्यायित करने का जो है प्रयास किया हुआ है। 1929 के व्यापक मंदी आई थी, महामंदी जिसको आप बोल सकते हैं, वो जो है आई थी। और इस मंदी के बाद 1936 ईस्वी में जीएम कीम उन्होंने एक किताब लिखा, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इस किताब में जो है उन्होंने बताया कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की इकोनॉमी है, देश की जो सरकार है, जो राजकोषीय नीति बनाती है, उनके आधार पर किस तरीके से बेरोजगारी में जो है संबंध होता है और किस तरीके से रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब किसी देश में जो है सार्वजनिक मतलब समग्र मांग और समग्र व्यय में जो है कमी हो जाती है तो उस स्थिति में जो मंदी आती है, समग्र मांग और समग्र जो है व्यय में जो कमी होगी, यानी कि जनता के द्वारा वस्तुओं के खरीदने की इच्छा व्यक्त नहीं की जाएगी या कम की जाएगी, तो कुल मांग में जो है कमी हो जाएगी। और जब कुल मांग में जो कमी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, इकाइयां जो है बंद होने लगेंगी, उद्योगों में छटनी होगी, तो उस समय बेरोजगारी उत्पन्न होगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि वहां पर राजकोषीय नीति या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इस सीमा तक कि जो है सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़े, लोगों की तरफ से मांग बढ़े, और जब मांग बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो उत्पादन की तरफ बढ़ेंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस आधार पर जो है कीन्स के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था में जो है एक संतुलित हस्तक्षेप के माध्यम से जो है सार्वजनिक व्यय के द्वारा समग्र मांग में जो है बढ़ोतरी करके अर्थव्यवस्था में बूम को लाया जाए और रोजगार को बढ़ाया जाए, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि 2022 में राजस्थान में जो है राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है प्रारंभ की गई है। राजस्थान एक ऐसा पहला जो है राज्य है जहां पर राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। इसके पूर्व में 2006 ईस्वी में जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया था, जिसे नरेगा 60 में, बाद में उसको मनरेगा 2009 ईस्वी में किया गया था। ये एक्ट जो है ये 2005 के नाम से जो है हुआ था और ये एक्ट जो है पारित हुआ बाद में, तो इसे 2 फरवरी को जो है इसे लागू किया गया 2006 ईस्वी में। 7 में इसका एक्सपेंशन किया गया, 8 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, 9 में इसका नाम जो है नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो प्रारंभ किया गया था, यह उस समय प्रारंभ किया गया और देश में जो है न केवल लोगों को रोजगार बल्कि वैश्विक स्तर पर दुनिया का जो है रोजगार देने वाला सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था। और इसी के तर्ज पर जो है राजस्थान में 2022 ईस्वी में शहरी जो है रोजगार गारंटी योजना जो प्रारंभ की गई। और अभी हाल में ही जो है रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि बेरोजगारी की जो दशाएं हैं वो कोविड-19 के बाद, चूंकि उसका व्यापक प्रभाव अर्थव्यवस्था, रोजगार, अन्य चीज़ों पर भी पड़ा, तो इस बेरोजगारी पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी की दरें जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से भी शहरी क्षेत्रों में बद से बदतर हुई। ऐसी स्थिति में लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामीण के तर्ज पर जो है शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसी के तर्ज पर राजस्थान प्रारंभ किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में अन्य प्रदेशों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में वहां पर रहने वाले बेरोजगार लोगों के लिए सरकार कोई ना कोई नीति और मिशन बनाने का जो प्रयास करेगी, जिससे इस जो है बेरोजगारी की महामारी से जो है निपटने में मदद मिलेगी। तो आज के लेक्चर में जो है बस इतना है। पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ और नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।